सिंह के घर के बाहर चस्पा कर दिया है। दरअसल अतिथि शिक्षकों ने सरकार से नियमित करने की मांग की थी, लेकिन सामान्य प्रशासन मंत्री ने खजाना खाली होने का हवाला देते हुए 2 साल का इंतजार करने के लिए कहा था। इसी को देखते हुए अतिथि शिक्षकों ने अपना प्रस्ताव रख दिया है, उन्हें नियमित कर दिया जाए। जो वेतन अभी उन्हें मिल रहा है वो उसी में काम करेंगे। अतिथि शिक्षक एक बार फिर नियमितीकरण की मांग को लेकर मैदान में है। जहां एक तरफ नियमितीकरण को लेकर अब तक कोई फैसला नहीं हुआ है, वहीं सामान्य प्रशासन मंत्री जिनकी अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई है, उन्होंने अतिथि शिक्षकों को अगले 2 साल इंतजार करने के लिए कहा है और तर्क ये दिया है कि सरकार का खजाना खाली है। ऐसे में अतिथि शिक्षक जो है वो आज सामान्य प्रशासन मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह के बंगले के बाहर पहुंचे हैं। आप देख सकते हैं कि अतिथि शिक्षक शिक्षकों के हाथ में एक शपथ पत्र है और इस शपथ पत्र में डॉक्टर गोविंद सिंह की कही हुई बात का एक जो रास्ता है अतिथि शिक्षकों ने निकाला है। उन्होंने एक शपथ पत्र वो लेकर आए हैं जिसमें लिखा है कि अतिथि शिक्षकों को बस नियमित कर दिया जाए, नियमितीकरण की उनकी मांग पूरी कर दी जाए, वो अगले 3 साल तक किसी अतिरिक्त वेतन की मांग नहीं करेंगे। और ये शपथ पत्र लेकर वो गोविंद सिंह के बंगले पहुंचे। हालांकि मंत्री बंगले पर मौजूद नहीं है और उनके बंगले पर यह शपथ पत्र किसी ने लिया नहीं है, इसलिए उन्होंने ये जो शपथ पत्र है वो मंत्री के घर के बाहर जो है वो चस्पा कर दिया है। साफ तौर पर इस पर लिखा है कि 3 साल तक सरकार से किसी तरह के मानदेय, अतिरिक्त मानदेय या फिर धरना प्रदर्शन नहीं करने का आश्वासन, भरोसा यहाँ पर दिलाया गया है शपथ पत्र में, लेकिन मांग वही की वही कि नियमित किया जाए। शपथ पत्र की जरूरत क्यों पड़ी? देखिए, कल माननीय गोविंद सिंह जी का बयान आया था कि हमारे सरकार खजाने की स्थिति ठीक नहीं है, अतिथि शिक्षक 2 साल का हमें समय दें, जैसे ही आर्थिक स्थिति ठीक होगी हम इनके बारे में इनको नियमित करेंगे। तो हम पूरे मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों ने ये फैसला लिया कि हम सरकार के साथ हैं, सरकार के साथ हम हैं, हमें 3 साल तक हम किसी भी प्रकार की आर्थिक मांग नहीं करेंगे, वर्तमान वेतनमान में ही काम करेंगे। उसका हमने एफिडेविट दिया है इनको कि हम किसी भी तरह की कोई आंदोलन, धरना प्रदर्शन या किसी भी प्रकार की सरकार के रास्ते में नहीं आएंगे, लेकिन हमारे पद को स्थापित कर दिया जाए, हमें नियमित कर दिया जाए। इस वादे को लेके हम लोग यहाँ पे आए थे, माननीय मंत्री जी आज यहाँ पे है नहीं, हम उनको देने आए थे कि आप हमें नियमित कर दें। बिल्कुल, तो अतिथि शिक्षकों ने सरकार के खाली खजाने को देखते हुए एक प्रस्ताव रखा है और प्रस्ताव ये कि नियमित कर दिया जाए, अगले 3 साल तक वो उसी वेतनमान उसी मानदेय में काम करेंगे। कैमरा पर्सन पंकज सोमर के साथ कुमार शर्मा। चलिए अब खबर सतना से आ रही है, जहां ग्रामीण के अपहरण मामले में